गाइस, अब मैं आपको एक नया ट्रिक बता रही हूँ। नया नहीं है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, पर मैं आज थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। ये देखिए, बहुत डैमेज हो रहा है, तो मैं आज थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें जो जो चीजें मैं मिला रही हूँ, देखो इस तरह से मैं प्याज का रस ले रही हूँ। ठीक है, ये प्याज का रस कद्दूकस कर लिया है, प्याज लेकर छील लिया है और इसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखो, और इसका रस निकालूंगी और इसमें क्या क्या ऐड करूंगी मैं ये बता देती हूँ। तो अब ये देखिए, प्याज का रस निकल गया है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसका मैं रस निकाल लूंगी। आप चाहे तो किसी छन्नी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये प्याज का रस मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगी मैं आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, मेरे यहाँ एलोवेरा लगा हुआ है, काफी एलोवेरा लगा हुआ है, और इसमें से मैं थोड़ा सा एलोवेरा तोड़ लूंगी। ये मेरा कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा एलोवेरा मैं इसमें से तोड़ लूंगी। ये देखिए, ठीक है, दो तीन मेरे ख्याल से स्टिक बहुत रहेंगी। ये देखिए, मेरे ख्याल से बहुत रहेगी मेरे लिए, बालों के लिए। ये देखिए, जो काफी बड़ी बड़ी लग रही हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ। मैंने तोड़ ली है, बहुत रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। ये देखिए, ठीक है, और इसे मैं इसका मैं निकालूंगी रस। ठीक है, वो कैसे करूंगी वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। वैसे तो देखिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने रख ली है इसमें। अब मैं इसको जूस निकालूंगी इसका, और इसका यूज करूंगी अपने हेयर। इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं और इस तरह से इन्हें, ये देखिए, इस तरह से इनका अंदर से ये करना है। एंड आप किसी भी स्पून की हेल्प से, ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसका जेल निकाल लेंगे। इस तरह से मैं सारी स्टिक का जेल निकाल। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. Oh, I feel worthless, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. काफी क्वांटिटी में निकल गया है, मुझे इतने की भी जरूरत है। तो बाकी स्टिक मैं रहने देती हूँ, इसे मैं ऐसे फ्रिज में रख सकती हूँ बाकी स्टिक को, और उसके बाद जब मुझे नीड होगी तो मैं उसको यूज कर लूंगी निकाल कर, या मैं जेल फॉर्म में भी इसे रख सकती हूँ बनाकर वो करके। मैं इसको आपको बता रही हूँ कि मैं ग्राइंड कैसे करूंगी। चाहे तो आप हाथ से मैश कर सकते हैं या फिर इसको मिक्सी कर लें। ठीक है, मिक्सी कर लें तो मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स कैसे होगा ये। ये देखिए, मेरे पास एक मिक्सर है, मैं उसमें आपको मिक्स करके बताती हूँ। हम इस जेल को इसमें डाल लेंगे और इसी में ही मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, बड़ा अच्छा रहेगा इसमें। चार्जेबल है, यहाँ पर देखिए इसका चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, इसका लीड आती है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद ये छोटा सा इस तरह से इसका जार रहेगा, और इसको आप, मैंने जो ये बनाया है प्याज का रस, ये इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल मिला ली हूँ। ऑयल आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आज, मेरे को देखिए सूट करता है सरसों का तेल, तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ इसमें। और वैसे नारियल का तेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आ गया, ये देखिए इस तरह से इस जेल फॉर्म में आ गया। और अब मैं ऐसा करूंगी अप्लाई,
ये अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कैसे अप्लाई करूंगी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों को अप्लाई कर स्टार्ट हो गया। देखिए हेयर में लगना जो मैंने बनाया है, ये देखिए इस तरह से लगाया जा रहा है मेरे हेयर में और अप्लाई कर रही हूँ मैं। वैसे तो मैं पहले भी ये ट्रिक कर चुकी हूँ। देखिए मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है और उसके बाद ड्राइनेस बहुत है हेयर में, रफ हेयर। अप्लाई करके उसके बाद मैं कम से कम इसे 1-1.5 घंटा रखूंगी और उसके बाद मैं हेड करूंगी वॉश, और वॉश के बाद ये पूरे हेयर में नीचे तक लगाना है ना, पूरे हेयर में नीचे तक लगना है और उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। होम ट्रीटमेंट है ये, यानी कि हेयर का, और जैसे वो आप केराटिन कराते हैं तो केराटिन तो नहीं है बट हाँ हेयर ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा है ये। ठीक है, ट्राई करते हैं। वैसे मैंने पहले भी यूज किया हुआ इसे, तो मैं आज क्योंकि ठंड में सर्दियों में मेरा मन नहीं करता था करने का, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है थोड़ा सा, हमारे यहाँ ठंड तो है पर मतलब चल जाएगा, तो मैं इसलिए इसको अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद 1-1.5 घंटा इसे लगा कर रखूंगी, फिर उसके बाद हेड वॉश करूंगी और उसका क्या रिजल्ट आया है वो मैं भी आपको बता दूंगी नेक्स्ट स्टेप में। हर बाल को नीचे तक पूरा अप्लाई करना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, ये देखिए इस तरह से इसे इस तरह से अप्लाई करना, ऐसे से अप्लाई करना, ये देखो। और बाकी सारे हेयर में इस तरह से कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि क्या करना है। चलो मिलते हैं आफ्टर हेड वॉश। देखिए जी, मैंने हेड वॉश कर लिया है और आफ्टर हेड वॉश मेरे हेयर ऐसे हो गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बाल मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं मेरे को, ये देखिए काफ़ी स्मूथ टेक्सचर हो गया है इनका और सॉफ्ट भी लग रहे हैं। तो देखिए अब मैं रूटीन में ही अप्लाई करूँगी और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, हेड वॉश के बाद मेरे हेयर ऐसे हो गए, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मेरे बाल जाएंगे और डैमेज धीरे धीरे ही ख़त्म होगा। देखिए धीरे धीरे ख़त्म होगा, अगर वीक में आप 1 से 2 बार अगर इसे अप्लाई करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं। पर अभी काफ़ी फर्स्ट ही वॉश में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इसका, तो आप वीक में 2 टाइम कीजिएगा तो शायद और अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। तो चलो मैं आप लोगों से अपना टिप्स शेयर करती रहूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने आपको हेड वॉश करके दिखा दिया है अपना कैसी लुक आई है इसकी। तो चलो जी मिलते हैं, टेक केयर नेक्स्ट व्लॉग में।